रातें कटती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उनके मर्जी बिना जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही आदमी खिलौना है, आदमी शारदे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनिल निषाद क्लास में। अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें। यहां आपको शास्त्रीय संगीत, लाइट संगीत, गजल भजन का ट्यूटोरियल वीडियो सीखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आदमी एक खिलौना है, और मूवी का नाम भी आदमी एक खिलौना है, और इसे गाए हैं अलका याग्निक जी ने, और इसे हम सीखेंगे सी शार्प पहले काली से। इसमें थाट बैरवी का स्वर प्रयोग होता है, जिसमें कि रे ग धनी चार कोमल स्वर प्रयोग होता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध है। तो चलिए हम पहले मुखरा को देखेंगे और अंतरा को, बहुत ही इजी नोटेशन है। तो मुखरा का पहला लाइन है जो कोमल ध से है, रातें ढलती नहीं दिन भी निकलता नहीं। तो चलिए इसका नोटेशन देखें, ध ध पधनी पध ध ध पधनी पधा, रिपीट होता है, रातें ढलती नहीं, और फिर इसी नोटेशन पर दिन भी निकलता नहीं। आराम से देखें, ध ध पधनी पधा ध ध पधनी पधा। नोटेशन लिख लें, पहला लाइन था, और फिर उनके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। सेकेंड लाइन है, उनके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। चलिए नोटेशन देखते हैं, तार सप्तक के सा से है, सा सा नि सा रे सा नि नि प प प ध नि प ध। आराम से देखें, सा सा नि सा रे सा, तार सप्तक में रे सा, रे सा नि नी प प प ध नि प ध, उनके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। सा सा नि सा रे सा नि प प प ध नि प ध। नोटेशन लिख लें, और फिर जो अगला लाइन है, रब जो चाहे वही तो होना है। ये अगला लाइन है, रब जो चाहे वही तो होना है। नोटेशन देखें, सा सही है तार सप्तक के, सारे सानी सारे सानी ध प म मनि नि ध ध। आराम से देखें, सारे सानी सारे सानी ध प म, क्या हो रहा है, सारे सानी सारे सानी ध प म मनि नि ध ध मनि नि ध ध। इसे हो रहा है, रब जो चाहे वही तो होना है। स्वर पर ठहराव देखें और स्वर पर कंपन। तो चलिए नोटेशन लिख ले, और अगला जो लाइन है, आदमी खिलौना है, याद रखिए रे ग ध नि चार कोमल स्वर प्रयोग हो रहे हैं, चिन्ह अच्छे से लगा लीजिएगा। तो चलिए नोटेशन देखें, ग म ध प म म ग रे म ग। आराम से नोटेशन देखें, ग म ध कोमल ध घ म ग म ध प म म ग रे म ग, आदमी खिलौना है। और फिर आदमी खिलौना है, इसका थोड़ा सा वेरिएशन है, आदमी खिलौना है। तो इसमें एक स्वर ऊपर गया है जो ध से नी पर गया है, तो इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ये लाइन है, आदमी क्या हो रहा है, आदमी पहला
पहला बार हो रहा था आदमी, और सेकेंड टाइम जो हो रहा है आदमी है। इसका नोटेशन देखें, गम धनी पा मगर मंगा, आराम से देखें, गम धनी पा मगर मंगा आदमी है। तो मुखरा में बस इतना ही नोटेशन है, चार लाइन का नोटेशन है। तो चलिए हम मुखरा को एक बार गाकर दिखा रहे हैं अच्छे से। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उनके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है आदमी। तो इस तरह से मुखरा कंप्लीट होता है। तो अब चलिए अंतरा को देखते हैं। अंतरा में सिर्फ दो लाइन का नोटेशन है और बाकी जो लाइन है वो मुखरा का ही लाइन पर हो जाता है। तो पहला जो लाइन है अंतरा का वो तार सप्तक के साथ सही है। छोटा सा एक घर मेरा, घर में मिला परिवार, देखे आराम से, छोटा सा एक घर मेरा, घर में मिला परिवार, नोटेशन देखें, सा सा नी धा धा सा नी धनी, आराम से देखें, सा नी धा धा, इतना से हो रहा है, छोटा सा एक घर मेरा, और फिर सा नी धनी, घर में मिला परिवार, आराम से देखें, सा सा नी धा धा सा सा नी धनी। नोटेशन लिख लें, ये अंतरा का फर्स्ट लाइन था। और जो अंतरा का अगला लाइन है वो तार सप्तक के रे से है। मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार, नोटेशन लिखें इसका, रे 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 नी पम गा, रे 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 सा नी धा, रे 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 सा नी धा, क्या हो रहा है, रे 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 नी पम गा, रे रे सा नी धा, रे रे सा नी धा, आराम से देखें, मुझको मिली सौगात खुशियों का संसार, नोटेशन लिख लें। और जो अगला लाइन है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, ये जो अगला लाइन है वो मुखरा पर ही हो रहा है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, रब जो चाहे वही तो होना है, जो मुखरा का लाइन है इसी पर हो रहा है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, और फिर आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, फिर ये मुखरा कहीं लाइन आ जाता है। तो इसमें और भी अंतरा है, वो आप अच्छे से गाएं, पहले इस अंतरा को अच्छे से गाएं और अच्छे से नोटेशन मिला लें। तो अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कर पूछिएगा, और किसी सॉन्ग का नोटेशन भी चाहिए तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हर रोज़ एक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।